है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको घुमाने ले चल रहे हैं हरिद्वार, हरी के द्वार हरिद्वार। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है हरिद्वार के बारे में, कि आप भाई कैसे जाएंगे, ट्रेन से आना सही है कि फ्लाइट से या बस से कैसे पहुँचेंगे, और उसके बाद वहाँ जाके भाई आप स्टे कैसे करेंगे, होटल में रूम कैसे लेंगे वगैरह वगैरह, और आप घूमेंगे कहाँ। टूरिस्ट प्लेसेस हरिद्वार में कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हर की पौड़ी है, उसके बाद और भी भारत माता टेम्पल है, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको हरिद्वार में जल्द मतलब घूमना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। धार्मिक नगरी हरिद्वार, जहाँ कण कण में विराजते हैं भगवान, एक ऐसा स्थान जहाँ से खुलते हैं भगवान के द्वार, इसलिए इसे कहा जाता है हरि का द्वार हरिद्वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको घुमाने ले आ रहे हैं हरिद्वार। तो सबसे पहले यही बात कर लिया है कि भाई हरिद्वार आप कैसे पहुंचेंगे। तो हरिद्वार आने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप हरिद्वार आना कैसे चाहते हैं, बाय फ्लाइट आना चाहते हैं, बाय ट्रेन या बाय रोड। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि बाय ट्रेन आप हरिद्वार कैसे पहुँच सकते हैं। बाय ट्रेन हरिद्वार आने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके सिटी से देखना होगा कि हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप आ सकते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपको वहाँ से क्या हो सकता है कि भाई आपको कैब मिल सकती है, क्योंकि न्यू दिल्ली से पड़ता है हरिद्वार 200 किलोमीटर। तो आप कैब करके आ सकते हैं, 4 से 5 घंटे आपको लग सकते हैं अगर आप कैब करके आएंगे तो, और आप बाई ट्रेन भी न्यू दिल्ली से फिर हरिद्वार का सफ़र जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लिया है भाई बाय फ्लाइट की, तो हरिद्वार का नियरेस्ट एयरपोर्ट जो पड़ता है वो देहरादून पड़ता है। देहरादून से फिर आप कैब लेके वापस हरिद्वार जा सकते हैं, जो कि 1 घंटे का रास्ता है। अब बात कर लिया हरिद्वार पहुँचने के बाद आप कहाँ रुकेंगे। तो रुकने के लिए आपको क्या करना है कि भाई आप आश्रम या धर्मशाला प्रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप होटल भी ले सकते हैं अपने बजट अनुसार। आपको कैसे मिल सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे जब आप हरिद्वार में उतर जाएंगे और आप जाएंगे हर की पौड़ी की तरफ, तो उसके बाद भाई आपको क्या है कि बहुत सारे आश्रम और धर्मशाला और होटल बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। मैं तो भाई आपको सजेशन ये दूंगा कि भाई आप जाएं धर्मशाला और आश्रम की तरफ, क्योंकि आपका कम बजट में काम हो जाएगा और वहाँ पर रूम की सर्विसेज भी बहुत अच्छी हो गई हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही अपन डे फर्स्ट में जो चीज़ें कवर करने वाले हैं टूरिस्ट प्लेसेस हरिद्वार में, वो है दोस्तों सबसे पहले आपको है ना हर की पैड़ी। हर की पैड़ी दोस्तों आप जाएंगे, गंगा मैया के स्नान करेंगे, गंगा मैया के दर्शन करेंगे, और दोस्तों हो सके तो आपको शाम की आरती भी अटेंड करनी है। शाम की आरती का काफ़ी महत्व माना गया है। उसके बाद दोस्तों हर की पैड़ी के दर्शन करने के बाद, वहाँ पर उस जगह को आप अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद, आप जा सकते हैं दोस्तों मनसा देवी, और उसके बाद जा सकते हैं दोस्तों चंडी देवी। आप ये दोनों जगह भी वहीं से हर की पैड़ी के बाद ऑटो से कवर करेंगे। आप जब मनसा देवी जाएंगे और जब चंडी देवी आएंगे, वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ी सी चढ़ाई भी करनी होती है, तो भाई वो आप उस चढ़ाई को स्किप करने के लिए रोपवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप डे टू में कवर करेंगे कनकल की यात्रा। दोस्तों, कनकल आप जाएंगे, कनकल वहाँ आप देखेंगे जाके। दोस्तों, कनकल में दोस्तों वहाँ पर जो है भगवान शिव की ससुराल है, और इसी के साथ ही दोस्तों वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पुराने मंदिर है और सुंदर मंदिर है जिन्हें आप देखेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों वहाँ पे आप दूसरी चीज़ कवर करेंगे विलखेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ भगवान शिव को और माता सती का मिलन हुआ था। कनखर हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान है, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये स्थान हरिद्वार से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में कनखल हरिद्वार की उपनगरी के रूप में जाना जाता है। कनखल का इतिहास महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कनखल ही वो जगह है जहाँ राजा दक्ष ने प्रसिद्ध यज्ञ किया था, और सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उस यज्ञ में खुद को दह कर लिया था। अगले दिन आपको जो कवर करनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद आपको जाना सप्त सरोवर रोड। आपको सप्त सरोवर रोड आना दोस्तों ऑटो करके, और उसके बाद आपको ये देखना है कि दोस्तों वहाँ जाकर जो आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, उसके बाद दोस्तों एक शीश महल आपको देखने को मिलेगा, एक राम दरबार देखने को मिलेगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सप्त सरोवर देखने को मिलेंगी। लगभग अगर आप चाहें तो आपको पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं मंदिरों को विजिट करने में, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे और यूनिक मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी आकृतियों और डिज़ाइंस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको लुभाएंगी, मज़ा आएगा आपको देखने में। तो आपका ये अगला दिन भी कवर हो जाएगा ऐसे। तो दोस्तों, इसी दिन आपको एक और महत्वपूर्ण जगह कवर करनी है, और वो है शांति कुंज। दोस्तों, शांति कुंज आपको अपने 3-4 घंटे निकाल के जरूर जाना है, क्योंकि वहाँ आपको जाने के बाद आपको मिलेगा कि भाई यहाँ पर आचार्य श्री राम शर्मा और उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा की समाधि स्थल है। उसके बाद दोस्तों शांति कुंज के अंदर गायत्री माता की मूर्ति के पास अखंड दीपक 1926 से जल रहा है निरंतर। दोस्तों, उसी के साथ ही दोस्तों यहाँ लगभग 24 लाख गायत्री मंत्र समर्पित आध्यात्मिक साधक द्वारा रोजाना गाए जाते हैं, और लगभग 1000 लोग गायत्री यज्ञ में भाग लेते हैं। दोस्तों, आपको शांति कुंज अवश्य विजिट करना है। तो इसके बाद जो हम अगली जगह जाने वाले हैं दोस्तों, वो है राजा जी नेशनल पार्क। दोस्तों, अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं हाथी, लियोपार्ड, डियर, ऐसे बहुत सारे जानवर, तो भाई आप जा सकते हैं राजा जी नेशनल पार्क। दोस्तों, मैं बता दूँ वहाँ आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। वहाँ भाई जो वो ट्रैक है जो राजा जी नेशनल पार्क फैला हुआ है, 34 किलोमीटर लंबा ट्रैक आपको भाई वहाँ देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर टाइमिंग की बात कर लिया है अंदर जाके, तो 2 से 3 घंटे आपके आराम से वहाँ पे व्यतीत हो जाएंगे। इसी के साथ फीस भी बता दूँ
कि राजाजी नेशनल पार्क में अंदर जाने के लिए जंगल सफारी को एंजॉय करने की फीस लगती है। फीस लगभग भाई 600 से 750 रुपये आ सकती है पर हेड। और दोस्तों अगर आप 4-5 लोग हैं तो आप आपकी खुद की प्राइवेट जिप्सी भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़े सस्ते में पड़ जाएगी। काफ़ी टूरिस्ट का दोस्तों पता नहीं होता कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही शानदार जंगल सफारी करने के लिए राजाजी नेशनल पार्क है, तो ये प्लेस भी विजिट करना बनती है। इसी के साथ ही दोस्तों टाइमिंग की और बता दूं, जैसे कि अगर आप सुबह चले आते हैं 6 बजे के आसपास से दोपहर में चले आते हैं तो थोड़ा परफेक्ट समय रहेगा राजाजी नेशनल पार्क घूमने के लिए। और दोस्तों इसके बाद आप घूम सकते हैं हरिद्वार में बड़ा बाजार। दोस्तों बड़ा बाजार रेलवे स्टेशन के पास से आपको देखने को मिल जाता है। बड़े बाजार में दोस्तों पूजा से रिलेटेड हर छोटा बड़ा सामान आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप बड़े बाजार में देखना चाहते हैं कपड़े, जूते, चप्पल, हैंडबैग, एसेसरीज, सारी ही चीज़ें आपको होम डेकोरेशन की भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। उसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर रुद्राक्ष की माला भी आपको देखने को मिल जाती है और आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर बड़े बाजार की टाइमिंग की बात कर ली जाए कि ये कब से कब तक खुला रहता है तो ये सनराइज से सनसेट तक खुला रहता है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली जगह हरिद्वार में आप देखने के लिए आ सकते हैं वो है पतंजलि योगपीठ। दोस्तों पतंजलि योगपीठ योग और योगा कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों बेसिकली इस्टेब्लिश ये हुआ था 2006 में और दोस्तों पतंजलि योगपीठ को बाबा रामदेव जी के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। पतंजलि योगपीठ में घूमने के लिए मेनली दो जगहें हैं। पहला तो है योगा स्थल, जहाँ योगा को प्रमोट किया जाता है, योगा किया जाता है, और दूसरी जगह है पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। दोस्तों इस जगह पे मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मेडिसिंस देखने को मिल जाएंगी और खरीदने को भी मिल जाती हैं। पतंजलि योगपीठ ऋषि पतंजलि के नाम पे रखा गया है, ऋषि पतंजलि जिन्होंने योगा का आविष्कार किया। दोस्तों पतंजलि योगपीठ भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा योगा इंस्टीट्यूट है। दोस्तों इसकी टाइमिंग की बात कर लिया है तो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये खुला रहता है। और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम दोस्तों गुरु गोस्वामी दत्त जी द्वारा 1943 में एस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों माना जाता है कि ये जगह वो है जहाँ गंगा जी ने अपने आप को 7 अलग अलग भागों में बांट लिया था। दोस्तों सप्तऋषि आश्रम में आपको एक गंगा घाट देखने को भी मिल जाएगा अंदर। और दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में। उसका दोस्तों यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम में आपको एक रेसिडेंशियल हॉस्टल और एक संस्कृत का स्कूल भी अंदर देखने को मिलता है। यहाँ की फीस बिल्कुल फ्री है, एंट्री फीस कुछ भी नहीं है और ये आश्रम दोस्तों सनराइज से सनसेट तक खुला रहता है। और दोस्तों एक आखिरी चीज़ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है हरिद्वार में वो है गंगा आरती। गंगा आरती दोस्तों हर की पौड़ी पे होती है। रोज़ शाम 5:30 से 6:30 बजे तक ये आरती आयोजित की जाती है। दोस्तों ये आरती अटेंड करने के लिए आपको आना होगा 1 घंटे पहले, क्योंकि भाई लोग 1 घंटे पहले ही आके यहाँ पे आरती होने का इंतजार करते हैं। अगर आप 5:30-6 बजे जब आरती होती तभी आएंगे तो भाई आपको तब सिर्फ गंगा मैया के जयकारे ही सुनने को मिलेंगे, मतलब आप पास जाके आरती अटेंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों इस आरती का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है, तो मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि भाई आपको ये आरती ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्लेसेस कवर करी वो है हर की पौड़ी, मनसा देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल, शांति कुंज, भारत माता टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, राजाजी नेशनल पार्क और पतंजलि योगपीठ। दोस्तों इन प्लेसेस से जुड़ी हुई अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लिया आखिर में खर्चों का कि कितना खर्चा हो जाएगा आपका हरिद्वार घूमने में, तो ये खर्चा दोस्तों एस्टिमेटेड है 2 दिन का, मतलब ये 2 दिनों में आप ये सारे प्लेसेस कवर कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं होटल की। तो होटल पर आपका खर्च हो सकता है 600 से 750 तक। मील्स का खर्च हो सकता है 500 रुपये तक, क्योंकि वहाँ पे थाली सिस्टम है तो 5,500 रुपये में आपको थालियाँ देखने को मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है 1,000 रुपये तक। दोस्तों इस हिसाब से पर पर्सन कॉस्ट आ जाता है 2 दिनों का 2,250 रुपये। ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट है, ये कम ज़्यादा हो सकता है अगर आप रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं कहीं आने आने के लिए, या कोई महंगी टैक्सी भी कर लेते हैं तो वो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हरिद्वार का टूर गाइड आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने आपको जितनी जगह बताई है, जो बजट बताया उस बजट में और जितनी जगह मैंने बताई वो सब आपको घूमना फिरना आसानी से हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है हरिद्वार से रिलेटेड या कुछ ऐसा रह जाता है कि भाई आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी सीधे DM कर सकते हैं, ताकि आपको हरिद्वार से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। बस इससे थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल और लाइक करके आए वीडियो।